नमस्कार दोस्तों, अभी का जो टाइम है वो सर्दी का है। वो लगभग जो है सर्दी कम हो गई है, जैसे पूरी तरह से कम नहीं हुई है, लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा सर्दी को कम होने में, लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो गई है सर्दी। और जो मौसम है वो भी काफ़ी साफ है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है और ठंड में जो जंगल है वो भी काफ़ी अलग हो गया है। जो पेड़ पौधे हैं जंगल में उनके काफ़ी पत्ते खिर गए हैं और काफ़ी ज़्यादा पत्ते सूख गए हैं, तो काफ़ी वीराना दिखाई देता है जंगल। तो मैं इसका बैक कैमरा ओपन करता हूँ, तो आप बने रहना वीडियो में। और ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी होने वाली है, तो बने रहना, मैं इसका बैक कैमरा ओपन करता हूँ। और जो जंगल है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीराना हो गया है और जो सर्दी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसे में जो छोटे पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से सूख चुके हैं, और गर्मी आएगी तब तक पूरा जंगल एक मैदान की तरह हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो बड़े पेड़ थे वो भी पूरी तरह से सूख चुके हैं और उनके जो पत्ते हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और जो सर्दी का टेम्परेचर था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी और ऐसा लगता था जैसे जंगल में जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और जब तक सूरज की किरण नहीं निकलती थी तब तक घर से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जो ठंड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा गांव है वो जंगल में है और चारों तरफ से पहाड़ है, और जो जंगल है वो काफ़ी घने पेड़ पौधों से घिरा हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो बड़े पेड़ थे उनके भी पत्ते पूरी तरह से सूख चुके हैं, और अब जो पानी का भी एरिया था वो भी सूखने लगा है। काफ़ी दिन बाकी है भी बरसात में, लेकिन जो गया साल पानी कम गिरा था तो इसी रीजन से जो नदी नाले हैं वहाँ पर भी पानी बहुत कम है, और ऐसे में पानी सूखने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। यदि बरसात अच्छे से होती तो ये जो नाला है ये काफ़ी भर के जाता है पानी, लेकिन पानी कम गिरने की वजह से ये जो पानी है ये बहुत ही कम जा रहा है। और जो जंगल में जो भी जानवर आते हैं हरी घास खाने के लिए, उन्हें पानी पीने की काफ़ी तकलीफ होती है। ऐसे तो भी पानी भरा है, लेकिन ये जो पानी है ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद गर्मी आने वाली है, और गर्मी में जो टेम्परेचर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और इतनी गर्मी में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो अभी जो मौसम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, और अभी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ठंड आने लगी थी। वो ऐसा इसलिए हुआ कि जो आसपास के जो राज्य थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरा था, तो उसका असर हमारे इधर भी देखने को मिला, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा था जैसा कि आप देख सकते हैं। और तब तक बरसात नहीं आ जाती तब तक जो जंगल है वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा, और गर्मी में तो जो है पूरी तरह से सूख जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा सूख जाएगा। और फिर जैसे ही बरसात आएगी बरसात में पूरी तरह से हरा हो जाएगा, और जो पत्ते हैं वो भी इन पेड़ों में आने लग जाएंगे, और जो जंगल है उसकी सुंदरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी तो जो जंगल है वो पूरी तरह से सूख चुका है और काफ़ी अलग ही दिखाई देता है। और अभी जो है सूरज निकल आया है और जो मौसम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, और यहाँ पर जो दूसरा नाला है ये भी काफ़ी कम पानी आ रहा है, इसमें तो लगभग पानी 2 या 4 दिन में बंद हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो बरसात में पानी बहुत ही कम गिरा था, और जो बड़े पेड़ थे उनके भी पत्ते सूखने लगे हैं, और काफ़ी अलग ही दिख रहा है जो जंगल है वो, कहीं पर सूखा दिखाई दे रहा है तो कहीं पर हरा। और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीराना दिखाई देता है जैसे जंगल सूख गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।